जब कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव ने ऐलान किया तो दुनिया भर की नजरें भारत पर टिक गई और बाबा रामदेव पर टिक गई कि चलिए अब यहां से इलाज मिल गया। लेकिन बाबा रामदेव की मुश्किलों को इस कोरोनिल ने और बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले राजस्थान बैन कर रहा था, अब महाराष्ट्र से भी कह दिया गया है कि हम कोरोनिल को आयुर्वेदिक संस्थान है जिसने जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद कोरोना महामारी की दवाई प्रमाणिकता के साथ बाजार में उतारी है। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के विषय में कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए जो हमको CTRI से अप्रूवल लेना होता है, उसके लिए जो प्लासिबो बेस्ड जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है उसके लिए औषधि और दूसरा जो ग्रुप होता है जिसमें औषधि ना दे करके जो प्लासिबो दिया जाता है उसी तरह से उसका रेंडमाइजली उसको सिलेक्शन किया जाता है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए हमने उस कार्य को अच्छी तरह से पूरा किया। रामदेव ने कहा कि 100 मरीजों पर नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल किया गया जिसमें 3 दिन के अंदर 59% और 4 दिन के अंदर 100% मरीज ठीक हो गए। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। हालांकि आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से इस दवा की डील्स मांगी हैं। इसकी जांच होने तक इसके विज्ञापन पर रोक है। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने भी पतंजलि की ओर से किए गए दावों को गलत बताया, साथ ही पतंजलि को नोटिस भी भेजा गया है।